आज हम मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे 3 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स. एग्जांपल 216 मल्टीप्लाई बाय 34. यहाँ पे हमारे डिजिट है 5. तो हम आंसर लेंगे 5th प्लेस से, यूनिट, टेंस, 100, 1000 एंड 10000. यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से 3 को. 2 3 जा 6. तो आंसर हम 2 डिजिट में लेते हैं इसलिए 0 और यहाँ पर आएगा 6. उसके बाद 2 से 4 को. 2 4 जा 8. 8 प्लेस हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 0 और 8. अभी प्लेस चेंज होगी, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए वापस 1000 प्लेस और 100 प्लेस में आंसर आएगा. 1 3 जा 3. 0 3 के लिए हम लेंगे बॉस, लेस, फ्रेंड, 7. उसके बाद 1 4 जा 4. 0 4 अप्लाई करेंगे 6 से. 6 3 जा 18. 1 8 यहां पर भी वापस प्लेस रिपीट होगी. 1 8 18 के लिए हमने यहां पे लिया 1 और 8 के लिए एड बॉस, लेस फ्रेंड, 2. उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 4 को. 6 4 जा 24. 2 4. इस तरह हमारा आंसर आया 7344. 7344. वापस एक बार आप ध्यान में रखिए, जब हम 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं टेंसर यूनिट को तो हमारी प्लेस आंसर के लिए प्लेस होती है 10,000 और 1000. 10,000 1000 उसके बाद 1000 एंड 100. जब हम टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं टेंसर यूनिट को, पहले हमने ये दो रॉड और फिर ये दो रॉड लिए थे. अभी हम वापस यहाँ पे मतलब 1000 प्लेस और 100 प्लेस रिपीट करेंगे, फिर 100 और टेंस प्लेस, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से यूनिट को, टेंस और यूनिट को, तब वापस 100 और टेंस प्लेस, फिर टेंस और